बैक्टीरिया ट्रैकिंग मटीरियल। और ये तो ऑर्गेनिज्म है, ये मेनली सर्विक्स, यूरेथ्रा एंड वेजाइना में प्रेजेंट होता है। और जो इसके साइन सिम्टम्स जो होते हैं वो या तो मतलब वेजाइना डिस्चार्ज होता है पेशेंट को, ठीक है, प्रेगनेंट वूमेन को वेजाइना डिस्चार्ज होगा, ठीक है, या फिर पेन बर्निंग, या फिर पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, या फिर एब्डोमिनल पेन होगा, पायरेक्सिया हो सकता है, या फिर अदर पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीजेस भी इसकी वजह से हो सकती है, ठीक है। और इसका इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, वेजाइनल या सर्विक्स के सिक्रेशंस का सैंपल लेके उनका कल्चर टेस्ट किया जाता है, तो उसमें जो ये ऑर्गेनिज्म है वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा सीरोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है, जिसमें कि जो एंटीजन है वो देखा जाता है, एंटीजन तो एलिजा टेस्ट कर सकते हैं, इसमें एलिजा टेस्ट किया जाता है, एलिजा टेस्ट है एंटीजन की प्रेजेंस देखी जाती है। तो अब इसके इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, क्लैमाइडियल इन्फेक्शन में क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं प्रेगनेंसी पे, तो इसकी वजह से अबॉर्शन हो सकता है, फिर प्रीटर्म बेबी हो सकता है, इंट्रायूटेरिन डेथ हो सकती है बेबी की, ठीक है, या फिर प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकता है जिसकी वजह से अर्ली डिलीवरी हो सकती है, ठीक है, कोरियो एमियोलाइटिस हो सकता है, ठीक है, और नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है बेबी को, या फिर निमोनिया भी हो सकता है, ठीक है, तो न्यूबॉर्न जो होगा उसमें कंजक्टिवाइटिस हो सकता है या फिर निमोनिया देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक्टोपिक अगर अर्ली स्टेज में ये हो जाए तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के भी होने के चांसेस होते हैं इसमें, ठीक है, और मर्क्यूरल एंडोमेट्रोसिस इसमें देखने को मिलता है, ठीक है, और या फिर एक्यूट साल्फिको ओक्राइटिस भी ये कोर्स कर सकता है इंफेक्शन, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो ट्रीटमेंट के लिए हम इसमें अजिथ्रोमाइसिन देते हैं 1 ग्राम, अजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम देते हैं, सिंगल डोज देते हैं अजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम ओरल देते हैं, ठीक है, या फिर अमोक्सिसिलिन दे सकते हैं। अमोक्सिसिलिन देते हैं 500 mg ओरली थ्राइस ए डे, अमोक्सिसिलिन 500 mg TDS दे सकते हैं 7 डेज के लिए, ठीक है, या फिर इसके अदर ट्रीटमेंट हो सकते हैं, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट हो सकते हैं, जैसे एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, उसमें एरिथ्रोमाइसिन भी 500 mg देते हैं 4 टाइम्स, ठीक है, इन ए डे 4 टाइम्स पे डे फॉर 7 डेज के लिए दे सकते हैं। Gracias.
क्लैमाइडिया इन्फेक्शन। तो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ट्राइकोमोनियासिस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्राइकोमोनियासिस इन प्रेगनेंसी। तो ट्राइकोमोनियासिस इन्फेक्शन जो है उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ट्राइकोमोनास वेजिनलिस पैरासाइट है। तो ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकती है। इसका क्लिनिकल जो साइन सिम्टम्स हैं वो देखते हैं कि इसमें जो प्रेगनेंट वुमेन है उसमें येलोइश ग्रीन कलर का ग्रीनिश कलर का वेजाइनल डिस्चार्ज इसमें होता है, और जो जो डिस्चार्ज होता है वेजाइनल डिस्चार्ज है वो फ्रोथी और म्यूकोपुरुलेंट टाइप का होता है और लार्ज अमाउंट में डिस्चार्ज होता है, और साथ में माल ऑर्डर्स होता है, मतलब उसमें बैड स्मेल भी होती है उस वेजाइनल डिस्चार्ज में, ठीक है। तो उस और इसके अलावा जो इन्फ्लामेशन इसमें होता है वल्वा एंड वेजाइना का इन्फ्लामेशन भी इसमें देखने को मिलता है। उसके अलावा इसका डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे, जो वेजाइनल एंड सर्विस के सिक्रीशंस का स्मेयर टेस्ट किया जाता है फॉर एंटीजन प्रेजेंट, तो उसका कल्चर टेस्ट हम करते हैं फॉर प्रेजेंस ऑफ प्रोटोजोआ, ठीक है। और इसके बाद में इसका इफेक्ट क्या होगा प्रेगनेंसी पे, तो इसकी वजह से प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकती है उसके, और प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन की वजह से अर्ली बर्थ भी हो सकता है, तो प्रीटर्म डिलीवरी इसमें कॉमनली हो सकती है। और अगर ये अनट्रीटेड हो तो एक्टोपिक प्रेगनेंसीज के भी बहुत चांसेस होते हैं इसमें, और इसके अलावा लो बर्थ वेट बेबीज और जो क्रॉनिक उसके जो पेशेंट है उसमें क्रॉनिक पेल्विक पेन भी होगा, और बच्चे में बच्चे की हेल्थ में भी बहुत अफेक्ट करेगा, मतलब बेबी की हेल्थ में भी इफेक्ट करता है हमारे। और इसके बाद में इसका ट्रीटमेंट, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए मेट्रोनिडाजोल और टिनिडाजोल देते हैं। ट्रीटमेंट के लिए क्या
ठीक है। और मैंने इसमें जो सिजेरियन डिलीवरी है बहुत ज़्यादा प्रेफर की जाती है, ठीक है। तो इसमें वेजाइनल डिलीवरी डिफिकल्ट होती है, इस वजह से जो सिजेरियन डिलीवरी है वो